जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर शहपुरा तहसीलदार ने राघव वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान वेयर हाउस में भारी अनियमितता के साथ हजारों क्विंटल सड़ा हुआ और घुन लगा गेहूं मिला। ताजुब की बात तो यह है कि वेयर हाउस में बड़ी ही चालाकी से नए गेहूं के बीच में पुराना गेहूं का स्टॉक रख दिया था, जिसके चलते किसी की नजर उस पर ना पड़े। तहसीलदार की रिपोर्ट पर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने 4 कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है, जबकि कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने को वेयर हाउस कॉरपोरेशन के एमडी को पत्र लिखा है। देखिए, मौके पर यदि मान लो एक बोरी भी पुराने गेहूं का और घुरे हुए गेहूं का मिलता है, तो जाहिर तौर पर लापरवाही की गई, बल्कि लापरवाही नहीं, इसको मैं मिलीभगत कहूंगा। इसमें हमारे लोगों की संलिप्तता रही है, जो सोसाइटी के लोग हैं, वेयर हाउस का जो संचालक है, जो हमारे सर्वेयर हैं और जो समिति के प्रबंधक हैं, जो ऑपरेटर हैं, उन सब लोगों ने मिलकर जो है इस तरह का कृत्य किया है। मोटे तौर पर कल रात को जो चेकिंग हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है अभी, कुल 13 स्टैक्स में से 2 स्टैक उन्होंने चेक किए थे, जिसमें बाहर की लेयर तो ठीक थी, लेकिन अंदर की लेयर में खराब माल, घुना हुआ गेहूँ पड़ा हुआ था। उसकी वीडियो मैंने बुलाई थी, जो मैंने आप सब लोगों को, आज सुबह से हमारी टीम गई है और वो पूरी स्टैक्स को तोड़ के वो कितना गेहूँ अच्छा और कितना गेहूँ खराब है उसका पूरा वैल्यूशन करेंगे। ये तो जाँच में पता पड़ेगा किसका माल था भाई। इस तरह के जिस तरह का केस ये निकला है, उस तरह के केसेस दूसरे वेयर हाउसेज में बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने अभी सभी अधिकारियों को ही कहा है कि जितने भी नोडल अधिकारी हैं, सारे नोडल अधिकारी अपने अपने वहाँ जाएंगे और जाके चेक करेंगे। बेसिक चीज़ आप इसको जो आपको समझ में आएगा, इन सारी बोरियों पर टैग लगा होगा, ताकि ये पता पड़ सके कि किस किसान का है। आप देख रहे होंगे, शुरू से ही मैं इस बात को लेकर जोर देता रहा हूँ कि जब भी आप गेहूँ अपना बेचने जाएँ, आप इस बात को तब तक वहाँ बने रहें जब तक कि आपकी बोरी में आपका टैग नहीं लग जाए। अब ये जितनी घुनी हुई, घुने हुए गेहूँ की और ख़राब पुराने माल की जितनी बोरियाँ निकली हैं, इन सारी बोरियों में किसी में भी टैग नहीं, और ये हमने सारे सरकारी अधिकारियों को कहा है कि भाई टैग लगाना अनिवार्य है, ताकि उससे पहचान हो जाती खराब माल किसका है। टीम लोकमंगल।